हमीरपुर में ललपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा गांव का ये मगरा तालाब है। यहाँ आज नहाते समय तीन बहनों की डूबकर मौत हो गई है। तीनों बहनें नहाने की नीयत से यहाँ आई थी और नहाते समय अचानक गहरे पानी में चली गई और यहीं समा गई। तीनों बहनों के साथ एक छोटा बच्चा भी था, जिसने घर पहुंचकर तीनों के डूबने की सूचना दी तो परिजन तालाब की तरफ भाग खड़े हुए और तीनों लड़कियों को तालाब से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी ले आए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बच्ची साथ तालाब नहाने गई थी। कितनी बच्चियां? तीन बच्चियां। और उन लोग तालाब में, वहां कोई नहीं था, वहां नहाते एक दूसरे को डूब गए। वहां पे एक बच्चा था उनके साथ में, छोटा था, वो आके यहाँ बताया है घर में। जब घर में कुछ लोग गए वहाँ पे, फिर वहाँ बच्चे डूबी हुई पानी से निकाल के निकली हैं। तीन लड़कियों की एक साथ डूबकर हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही तमाम गांव के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पंचायतनामा भर के आगे की कार्यवाही में लगी हुई है। ये आज गांव स्वासा खुर्द की तीन लड़कियाँ अपन चचेरी बहनें थी, ये मगरा तालाब में नहाने गई थी दिन के लगभग 11 बजे, और नहाते वक्त अचानक हादसा हो जाने से इनका जो है डूब गई है। इनकी डेड बॉडी मिल गई है और पंचायत में करा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितनी बच्चियां गई हैं? तीन बच्चियां थी। तीनों बहनें हमेशा की तरह ही आज भी तालाब पर नहाने गई थी, लेकिन शायद आज कुदरत ने इनकी घर वापसी नहीं लिखी थी, तभी आज इन तीनों बहनों के अलावा तालाब पर कोई और नहाने नहीं आया था। अगर कोई यहाँ मौजूद होता तो शायद इनको बचाया जा सकता था। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ 75, हमीरपुर।